हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। गाइस, मैं हूं अमित अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। गाइस, आज का जो लेक्चर है वो क्लास नाइन्थ के लिए है। इसमें हमने ग्रेविटेशन चैप्टर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और भेज दीजिएगा उन लोगों के पास जिनको ये पहुँचाए फ़ायदा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, या व्हाट इज़ द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल। एक्सीलरेशन क्या होता है फ्री फॉल का? तो सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या हो जाएगा, 9.8। एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल का क्या हो जाएगा सरफेस पे, 9.8। अगला है, व्हाट डू वी कॉल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। अर्थ और ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलेंगे हम, ग्रेविटी बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट। ठीक, अगला आपका थोड़ा सा रैपिड चलेंगे, इन व्हाट डायरेक्शन डज बोयंट फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इमर्स लिक्विड एक्ट। ये बोयंसी का है ना, ये अपवर्ड डायरेक्शन में करता है, इसको ग्रेविटेशन के बाद वाला में है। यहाँ देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवन थाउट ए स्टोन ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ टुवर्ड इट्सेल्फ, अर्थ डज नॉट मूव। Why? Because greater mass of earth, because lesser mass of a stone, force extended by the stone less, force exerted by the earth are large, force exerted by a stone less। ऐसा बात नहीं है कि क्यों, क्या क्या कारण है जो अर्थ नहीं मूव करता है स्टोन की तरफ, because greater mass। F is equal to क्या होता है, ma, तो a is equal to क्या हो जाएगा, F by m। मास अगर छोटा है तो एक्सीलरेशन बड़ा होगा, और एक्सीलरेशन मास अगर बड़ा है तो एक्सीलरेशन छोटा होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा रैपिड चलेंगे हम लोग। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, ग्रेटर ऑन अर्थ लेज़र ऑन मून। ठीक है, लेज़र ऑन अर्थ ग्रेटर ऑन अर्थ। अच्छा जी, बी सी वाला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, इक्वल ऑन बोथ मून एंड ऑब्जेक्ट, दोनों जगह वेट अलग सेम होगा, नन ऑफ दिस। क्या होगा आप आंसर बताइए, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ग्रेटर ऑन अर्थ लेजर ऑन मून, मून पे कम हो जाएगा और मास और वेट, और अर्थ पे क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, तो डब्ल्यू एट मून बराबर, ये याद रखिएगा, 1/6 ऑफ डब्ल्यू एट अर्थ, अर्थ पे जितना होता है उसका 1/6 मून पे हो जाता है। सो इसको यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन केजी न्यूटन, कौन सा होगा वेट का एसआई यूनिट, डब्ल्यू बराबर होता है, बताइए जल्दी से, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, तो क्या हो जाएगा, मास का केजी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूटन। फ्राइव फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, मास कॉन्स्टेंट वेट वेरिएबल, मास इज़ वेरिएबल, वेट कॉन्स्टेंट गलत, बोथ वेरिएबल गलत, बोथ कॉन्स्टेंट गलत, मास कॉन्स्टेंट होता है, वेट वेरिएबल होता है, ए इज़ द राइट आंसर, मास कॉन्स्टेंट होता है, वेट वेरिएबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें हम, थोड़ा सा रैपिड चलेंगे, सो आप थोड़ा सा रैपिड हमारे साथ रहिए। इफ़ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मोर देन द प्रेशर अप्लाई बाई इट देन एक्सटर्नल फोर्स इज, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा ना, इसको थ्रस्ट एंड प्रेशर में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, आंसर इज़ द लेस। अगला है, आज ग्रेविटी वाले पे हम लोग फोकस करेंगे। देखिए, इफ़ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट प्लेस इज़ मोर द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो, वेट क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, रिमेन सेम नहीं रहेगा, डिक्रीज नहीं होगा, नन ऑफ नहीं होगा, डब्ल्यू बराबर होता है एम इंटू जी, जी अगर बढ़ा तो वेट भी बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगला है आपका, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ मोर एट इक्वेटर लेस एट पोल,
मोर एट पोल लेस एट इक्वेटर, सेम एट पोल इक्वेटर, डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी। क्या होगा? मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड होगा, ऐसा है? बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए जी एट पोल ग्रेटर देन होता है जी एट इक्वेटर, तो डब्ल्यू एट पोल भी ग्रेटर देन हो जाएगा डब्ल्यू एट इक्वेटर, क्योंकि आर एट पोल स्मॉलर देन होता है आर एट इक्वेटर। तो जहाँ आर छोटा होगा वहाँ जी बड़ा होगा, जहाँ जी बड़ा होगा वहाँ वेट बड़ा होगा। तो मोर एट पोल बी इज़ द राइट आंसर एंड लेस एट इक्वेटर, मोर एट पोल एंड लेस एट इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इंक्रीज, मास रिमेंस सेम, देन ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। क्या होगा? मास को अगर कॉन्स्टेंट रख दिया जाए, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। अगर आप डिस्टेंस को क्या करिएगा, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज, डिस्टेंस को बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। ये आंसर गलत दिया हुआ है, ये आंसर गलत दिया हुआ। एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो आर अगर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा ना जी। हाँ, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज, मास रिमेन सेम, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी डिक्रीज। अगर ये इंक्रीज हो रहा तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ मास फोर्स एंड वेट इज रिस्पेक्टिवली। मास का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है और वेट का क्या होता है? मास का होता है kg, फोर्स का न्यूटन और वेट का भी न्यूटन। देख लीजिए पहला राइट आंसर kg, न्यूटन, न्यूटन पहला क्या है आपका राइट आंसर है, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलें, मज़ा आ रहा तो शेयर करते रहिए जल्दी जल्दी, थोड़ा सा रैपिड चलेंगे हम लोग, है ना, थोड़ा सा रैपिड चलेंगे, है ना। 13 नंबर, ऐसा यूनिट ऑफ जी, स्मॉल जी का ऐसा यूनिट बताइए जल्दी से। 7 मिनट हुआ, 13 क्वेश्चन कर लिए, आज लगभग 20 क्वेश्चन करेंगे। ऐसा यूनिट बताइए स्मॉल जी का, स्मॉल जी एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी इजकल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, के जी आर का मीटर स्क्वायर, के जी मीटर स्क्वायर, और उसको जी का वैल्यू डालिएगा तो कट खुट के कहा जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको याद रखना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, द रिलेशन बिटवीन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज। क्या रिलेशन है? वेट ऑन मून बराबर अभी ही बताते हैं 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, का है तो जी ऑन मून इज 1/6 ऑफ जी ऑन अर्थ। जी जो होता है मून पे अर्थ के मुकाबले में 1/6 टाइम छोटा हो जाता है, इसीलिए, ठीक है। आगे चल रहे हैं, बढ़िए सर। प्रेशर का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पढ़ना आगे हम लोगों को, जो लोग पढ़ लिए हैं वो आंसर कर सकते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर समझ गए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस होता है, रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस होता है, जहाँ पे रिलेटिव टर्म आ जाए वो यूनिटलेस, नो यूनिट, है ना। अगला प्रेशर इज ए पॉइंट, चलिए प्रेशर तो करना नहीं है, प्रेशर नहीं करना है, बढ़ें आगे। 2 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, ठीक है। 1 मार्क्स का बस आज इतना ही क्वेश्चन, अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, है ना। देख लेते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन सब देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स में, वाई डज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज विद द शेप ऑफ अर्थ, हाउ डज, वाई नहीं है, हाउ डज, कैसे ग्रेविटी चेंज होता है अर्थ के शेप के अकॉर्डिंग से। पोल पे क्या हो जाएगा, पोल पे जी एट पोल ज़्यादा हो जाएगा जी एट इक्वेटर के, बिकॉज आर एट पोल लेस है आर एट इक्वेटर के, ठीक है। कंप्लीट डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए,
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड वेट? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड वेट से आप क्या समझते हैं? देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ। और वेट क्या है? फोर्स विद विच ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड ऑन अर्थ। जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आता है वो वेट है। और ऑब्जेक्ट के बीच अर्थ और इसके बीच जो फोर्स लगता है एक दूसरे पर वो क्या है? ग्रेविटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। मास ऑफ मैन इज 60 kg स्टैंडिंग ऑन फ्लोर होल्डिंग ए स्टोन वेट 40 न्यूटन होल्डिंग ए स्टोन वेटिंग 40 न्यूटन। व्हाट इज द फोर्स विच फ्लोर पुश हिम अप? किस फोर्स से? न्यूटन थर्ड लॉ से क्या हो जाएगा? सेम फोर्स लगाएगा, 640 न्यूटन टोटल को जोड़ दिया जाएगा। उसका मास है और वेट है स्टोन का, तो देखिए इसको कैसे सोल्व कीजिएगा। यहाँ पे F1 तो आ गया आपका 40 न्यूटन, कितना है? 40 न्यूटन है। और W बराबर होता है m into g, तो ये कितना हो जाएगा? 600। मास है 60 kg और g 10 होता है, तो क्या हो जाएगा? 600 न्यूटन। ये हो गया आपका 600 न्यूटन। तो 600 और ये 40 मिला के क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स कितना हो गया जो ज़मीन लगाएगा उस पर? 600 प्लस 40 बराबर 640 न्यूटन। कितना? 640 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए सोल्व कैसे किया। ग्रेविटेशनल पुल जानते हैं m into g होता है, कर लिया m into g। द वेट ही कैरी 40 न्यूटन वो कैरी कर रहा, डाउनवर्ड फोर्स 600 न्यूटन लगा रहा, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एक्शन रिएक्शन बराबर हो जाएगा, इसलिए सेम लगाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है और ये एक्सीलरेशन से अलग कैसे है? देखिए, एक्सीलरेशन इन फ्री फॉलिंग बॉडी को हम क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे मूव कर रहा है फोर्स के कारण, अगर हो रहा है मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण अगर उसके अंदर एक्सीलरेशन हो रहा है, तब क्या होगा? वो हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन। देख रहे हैं, एक्सीलरेशन इज़ व्हेन एन ऑब्जेक्ट अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इसे फोर्स अब अप्लाई कर रहे हैं, इसके अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी होगा ये क्या कहलाएगा? एक्सीलरेशन कहलाएगा। और फ्री फॉलिंग बॉडी में जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या कहलाएगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाएगा। बढ़ते चलें, अब इसमें आपको बोल रहा है शो डेट इफ टू मास ऑफ बॉडी आर इक्वल देयर वेट विल सेम विच एवर पार्ट ऑफ यूनिवर्स इट मे बी मेजर्ड। फिर से समझिए, सो डैट मास ऑफ टू बॉडी आर इक्वल देयर वेट विल बी सेम विच एवर पार्ट ऑफ बॉडी कहीं पे भी मेजर किया जाए तो उसका क्या हो? वेट सेम हो। देखिए, वेट सेम नहीं होगा। F1 बराबर F2 दिखाना है यहाँ पे, देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, कंसीडर टू बॉडी मास m1 m2, लेट देम टेक द प्लेनेट हुज मास mp और दूसरा रेडियस rp है। ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगा? F बराबर फोर्स ऑफ प्लेनेट F बराबर gm1 m2 बाय r² और ये F2 बराबर ये दोनों का ये करके इक्वल्स कर देना। इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है वो बताना है। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? बारिश का बरसना, तारों का और दिन रात का होना, है ना। फोर्स बिहाइंड द अर्थ, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, है ना। टाइड इन हाई टाइड एंड लो टाइड इन सी। ठीक है, तो ये सब है आपका, बाकी ये सब आपका डेंसिटी और प्रेशर से है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया था, उसको देख लेते हैं। देखिए,
इफ द मास ऑफ बॉडी इज डबल्ड, अगर किसी भी बॉडी का मास को कर दिया जाए डबल एंड आर को रिमेन सेम, अदर चीज़ को सेम रखा जाए तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एफ इजकल टू जी क्या होगा, एफ इजकल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर होगा। एक को डबल कर दोगे तो नया एफ क्या हो जाएगा, टू एफ के बराबर हो जाएगा। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो है उस लेक्चर में दिया हुआ है, आपने अगर वो नहीं देखा है तो जा कर के देखें, लोगों को शेयर करें। बस आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।